हेलो फ्रेंड्स, आज दिवाली के लिए आप लोगों को स्पेशल दिखा रही है मैं राइस फ्लेवर का फिंगर्स। आप लोग राइस आटा से मैंने फिंगर्स बनाया है, अच्छे से बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही अच्छा है। मैदा से बनाते हैं सब लोग, मैंने चावल की आटा से बनाया, एकदम अलग टाइप का है ये दिवाली का स्पेशल। पहले इसके लिए क्या क्या चाहिए बता रही है। एक कटोरी चावल का आटा लिया है, सब लोग मैदा से बनाता है, मैं मैदा अच्छा नहीं है करके मैं चावल दिखा रही हूँ आप लोगों को। चावल की आटा है, आप लोग चक्की में जाने का जरूरत नहीं है, मिक्सी में भी पीस के अच्छे से बारीक चनी से छान के ले सकता है। अभी एक कटोरी मैंने चावल की आटा लिया, उसी हिसाब से बराबर एक कटोरी पानी लिया है और एक आधा टी स्पून हल्दी लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है। आप लोग कम डाल सकते तो कम भी डाल सकते हैं, बच्चा लोग नहीं खाएंगे तो कम भी डाल दीजिए। एक टेबलस्पून अजवाइन लिया है, डेढ़ टेबलस्पून मैंने तिल लिया है, दो टेबलस्पून घी लिया है। आप लोग डालडा डाल सकते हैं बोलते हैं, मगर डालडा बिल्कुल मत डाल दीजिए, आपको हेल्दी के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग मक्खन डाल दीजिए, नहीं तो घी डाल दीजिए, नहीं तो ऑयल डाल दीजिए। अभी मैं कैसा बनाने का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी गैस चालू करें, मैं चालू करके मैंने आटा कौन सा बाउल में लिया, वही बाउल में मैंने एक कटोरी पानी लिया है। बराबर एक कटोरी आटा है तो एक कटोरी पानी लेना चाहिए। और अजवाइन डाल रही है उसमें, उसी में तिल डाल रही है मैं, वही पानी में लाल मिर्ची पाउडर डाला है और हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, उसी में नमक है डाल। अभी पानी बॉईल होने का है, थोड़ा सा मिक्स करके रखेंगे हम लोग। अभी घी भी इसके अंदर थोड़ा डाल देंगे, बस थोड़ा घी डालेगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ना, बढ़िया टेस्ट आ जाता है। बाहर से मत लीजिए, घर में थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, 10 मिनट में बहुत ही अच्छा बढ़िया और स्नैक्स बन जाएगा दिवाली का, बच्चे लोग को भी अच्छा है। बाहर से लेने में डर लग रहा है ना, आजकल घर में बनाइए, बहुत सिंपल है ये। अभी ये आटा इसके अंदर डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम लोग। ऐसा बंद हो जाएगा, हो गया। अभी गैस बंद कर रही है मैं, ये गरम गरम में अभी 2 मिनट बंद कर रही है हम लोग, बंद कर दिया मैंने गैस, बाद में मिक्स कर सकते हैं। पूरा मिक्स नहीं हुआ तो चलेगा, गरम रहेगा ना हाथ लगाएगी तो इससे नहीं होएगा, हाथ से करना पड़ेगा हम लोग का। इसको थोड़ा सा मिक्स करके अभी बंद कर, गैस बंद कर दिया मैंने। अभी 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, तो खोल दिया मैंने, 5 मिनट हो गए ना। एक प्लेट में डालेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म लगेगा, अभी हम लोग थोड़ा सा पानी ले लेंगे पहले हाथ में, थोड़ा सा पानी में लेने का हाथ में, एकदम अच्छे से इसको साफ करने का, एकदम अच्छे से पेस्ट करने का हम लोग। थोड़ा ठंडा पानी ऐसा लेके कप में थोड़ा ऐसा ऐसा लगा के एकदम ऐसा ऐसा सॉफ्ट कर दीजिए, आटा गूंथता है ना ऐसे ही गूंथने का है, थोड़ा हल्का गर्म में ही करने का, ठंडा होगी तो थोड़ा कड़क हो जाता है ना, इसलिए हो गया अभी ठंडा हो गया। देखिए एकदम अच्छा से किया ना, देखना ऐसा साफ, 2 मिनट ढक्कन लगा के अभी कढ़ाई रख के ऑयल डाल देंगे हम लोग गैस में। अभी गैस चालू किया मैंने, कढ़ाई रख के तेल डाल दूंगी, ऑयल गर्म होने तक हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, दिखाती हूँ कैसा करने का है। छोटा सा गोल लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए,
बस ऐसे ऐसे बनाइए इसको, दो टुकड़ा लंबा करेगा तो दो टुकड़ा कर दीजिए उसको, और छोटा सा लीजिए बस ऐसा कर दीजिए इसको, थोड़ा सा मोटा हो गया तो थोड़ा ऐसा कर दीजिए, हो गया ऐसा ऐसा छोटा सा लीजिए, छोटा छोटा लीजिए बस ऐसे ऐसे कर दीजिए सब ऐसे ही ऐसा ऐसे तैयार कर दीजिए सब पूरा, छोटा 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 लेने का सब ऐसे पूरा करने के बाद हम लोग गैस चालू करके उसमें डाल देंगे। अभी मैंने एक बैच बना है ना अच्छे सा, उसको फ्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा आएगा, दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी ऑयल गर्म हो गया कि नहीं देखेंगे कैसा, थोड़ा सा डाल के चेक करने का हम लोग को। हाँ हो गया, देखना कितना अच्छा गर्म हो गया। अभी ये सब फटाफट डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे हम लोग। तुरंत मत घुमाइए, थोड़ा सा गर्म होएगा, थोड़ा सा बनेगा तभी घुमाइए। बहुत तो हाई में मत रख दीजिए, थोड़ा सा धीरे आंच में लगाइए, मीडियम में रख के फ्राई, थोड़ा सा बनने के बाद घुमाइए नहीं तो टूट जाएगा। ये चावल का है ना, मैदा से कुछ भी कैसा भी बनाएगा वो अच्छे से रहता है, मैदा है ना ये चावल का आटा से। थोड़ा ध्यान से तीन तीन चार चार डाल दीजिए, नहीं तो ऐसा उसमें डाल के धीरे से वैसा छोड़ दीजिए तेल के अंदर। कच्चा में घुमाएंगे ना हम लोग तेल के अंदर चम्मच से, टूट जाएगा। थोड़ा सा लाल होने के बाद बनने के बाद थोड़ा उल्टा कर दीजिए आप ये। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा हो गई ना, अभी दो मिनट रखेंगे और थोड़ा सा लाल होने का, ये ऑयल उबलने के तक बबल सारे है ना वो कम होने के तक रखेंगे हम लोग। अभी भी बॉईल हो रहे है ना, ये बबल्स ठीक होएगा तब निकालेंगे, तभी निकालेगा तब कुरकुरु अच्छे से बनेगा। देखना अभी बबल्स नहीं है ना, अभी बन गया है, अभी निकालती हूँ। देखने कितना अच्छा आवाज आ रही है, कुरकुरा रहेगा। अभी टिश्यू पेपर रख के उसके अंदर डाल दीजिए, थोड़ा बहुत तेल हो गए तो निकल गया। देखने कितना अच्छा लग रहा है ना, और एक बार दिखा रही, हल्का हल्का डाल देंगे हम लोग, थोड़ा दूर रहिए, दूर से डाल दीजिए तेल है ना, थोड़ा ध्यान से कर दीजिए आप लोग। ये चावल का फिंगर से आप वैरायटी बनाइए अच्छे से, दिवाली अच्छा बनाइए आप लोग, घर में ही बनाइए, घर में परिवार से एंजॉय कर दीजिए इस बार, बाहर मत जाइए एंजॉय करेंगे करके, कोरोना से बच जाइए आप लोग। नेक्स्ट ईयर हम लोग सब मिलके खुशी खुशी दिवाली करेंगे। वीडियो कॉल में बात कर लीजिए, वीडियो कॉल में देख लीजिए फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और सबको किसको किसको मिलने का वीडियो कॉल में बात करके आप लोग एंजॉय कर दीजिए, बाहर मत जाइए। अभी इस बार कोरोना पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा, फटाका वगैरह भी कम हो गया, अच्छा है, पोल्यूशन कम करेगा तो भी बहुत ही अच्छा है। हम पेशेंट लोगों को हम लोग बहुत हेल्प करने वाला हो जाता है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम ये हेल्प करेगा तो हम लोग खुशी हो जाएगा, हम लोग कुछ किया है करके लाइफ में। आप लोग फटाका भी बिल्कुल मत कर दीजिए, बस लक्ष्मी पूजा करके भगवान को प्रेयर करके जल्दी से जल्दी कोरोना जाने के लिए प्रेयर कर दीजिए। सब लोग खुशी रहिए घर का अंदर, बहुत ही अच्छा दिवाली घर का अंदर ही बनाइए। देखना कितना अच्छा हो गया ना, बबल्स गए ना, अभी निकाल रही हूँ। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा हो गया ना, अभी
ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया है। ये फिंगर्स चावल की आटा से बना है, बहुत कुरकुरू लग रही है। आपको तोड़ के दिखा दो। वाओ वाओ, देखने मैं खा के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो मस्त बन गए ना, इसलिए आप लोग को बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आ जाएगा। आप लोग बनाइए, खा लीजिए, एंजॉय कर दीजिए। और कैसा बन गया, कैसा टेस्ट आया, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर, हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू।